नमस्कार दोस्तों और प्यारी बहनों, प्रेगनेंसी में खाना पीना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रेगनेंसी में आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं और कुछ बहनें यह शिकायत करती हैं उन्हें प्रेगनेंसी में डरावने या खतरनाक या गंदी किस्म के सपने ज़्यादा आते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें, ऐसा होना प्रेगनेंसी के अंदर नॉर्मल बात होती है। ऐसा इसलिए होता है कि इसका मनोवैज्ञानिक कारण ये है कि प्रेगनेंसी के टाइम में आप ज़रूरत से ज़्यादा चिंता ले लेते हैं, खासकर पहली प्रेगनेंसी के अंदर। वही चिंता और डर जो होता है आपको सपनों के माध्यम से दिखता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी हार्मोन भी जिम्मेदार होते हैं गंदे, डरावने या बहुत ज़्यादा खतरनाक सपने आने के पीछे। तो यदि आपको ऐसे डरावने, गंदे या बहुत ज़्यादा भयभीत करने वाले सपने आते हैं तो ऐसा होना नॉर्मल बात होती है। और इसका एक ही उपाय है, वो ये है कि आप दूसरों के वहमों पर विश्वास ना करें और अपने डॉक्टर की सलाह नियमित रूप से लेते रहें और अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए थोड़ी देर योगा और मेडिटेशन सोने से पहले अवश्य करें। यदि आप ऐसा करती हैं तो आपको बुरे सपने नहीं आएंगे, डरावने सपने नहीं आएंगे। इतना हो सके प्रेगनेंसी के अंदर रिलैक्स रहें, एकदम अपने मन को हल्का रखें, अच्छी चीज़ों में मन लगाएं। आप पूजा पाठ कर सकती हैं ताकि आपको बल मिले और आपको बुरे या गंदे सपने या खतरनाक सपनों से मुक्ति मिल सके। बस आपको दूसरों की बातों में नहीं आना, अपनी विवेक शक्ति से कार्य करना है कि आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है, और अपने डॉक्टर से नियमित रूप से परामर्श लेते रहें। हल्के फुल्के डरावने या बुरे सपने हर किसी को कभी ना कभी आते हैं, तो प्रेगनेंसी में ऐसा ज़्यादा होता है। इसका कारण हमने बता दिया। तो अपने आप को खुश रखें, रिलैक्स रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो बहनों, ये थी आज की जानकारी। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।